जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। प्रश्नावली नंबर दो, प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली नंबर दो चल रही है अभी आपके, ठीक है। प्रश्नावली नंबर दो और दिनांक हो गया 22/7/2021 और प्रश्नावली नंबर दो है ये, ठीक है। और सब्जेक्ट है मैथ्स, क्या है गणित, क्या है गणित सब्जेक्ट है। तो मैं आपको कल तक मैंने आपको पढ़ाया था जोड़िए, और जैसे अब मैं आपको बताऊंगा गणित के अंदर घटाना। आप प्रश्न नंबर तीन नोट कर लीजिए यहाँ पर है, और सारे के सारे एक बार नोट कर लीजिए। मैं सब प्रश्न को एक पेपर में कराते हुए चलता आ रहा हूँ। तो आप प्रश्न दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर के, तीन से लेकर के और 9% तक आपको अर्थ देख लो, 9 में आगे करवा दूँगा पहले। तो इसमें आपको पहले सारे सवाल करवा रहा हूँ यहाँ पे। आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम कराएंगे घटाइए, क्या करेंगे घटाइए। प्रश्न नंबर तीन क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्या है मैथ्स है, और प्रश्नावली कौन सी है दूसरी है, और दिनांक हो गया 22/7/21 ओके दिनांक, ठीक है। और क्लास है आपके फिफ्थ, कौन सी है क्लास फिफ्थ है। तो प्रश्नावली नंबर दो का प्रश्न नंबर तीन क्या है घटाइए, क्या है घटाइए है। तो आपको घटाइए, अब देखिए कि क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन दिया है आपको 3944 यानी 3944 यानी 3944 में से 840 घटाना है, कितना घटाना है 840। तो क्या करोगे ये 840 घटाना, तो आप इसके इस संख्या के नीचे ही लिखोगे, किसके नीचे लिखोगे इस संख्या के नीचे लिखकर आसानी से आप घटा सकते हो। वैसे ऐसे भी घटा सकते हो लेकिन नीचे लिखने से आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब क्या करना है, इनमें से निकालोगे तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 है जैसे हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। और 9 में से 8 जाएगा तो 1 रहेगा, और इसके नीचे संख्या नहीं है इसलिए क्या मान लेते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं। तो 3 में से 0 जाता है तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, 3 का 3 ही लिखेंगे, 3 में से 3 जाएगा तो 0 3 का 3 ही रह जाएगा ये आपका। और आप इसको जोड़ करके इसको उसको जोड़ोगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन 4817 में से, ये आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा सोच के करोगे तो कोई बड़ी बात है, नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसको नीचे लिखोगे, इसी के नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, तो माइनस का चिन्ह लगाओगे फिर आप माइनस कर सकते हो। तो आप इजी है बिल्कुल, 7 में से 7 जाओगे तो क्या रहेगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1 जैसा है वैसा कैसा, फिर 8 में से 4 जाएंगे 4 और 2 में से 2 जाएंगे 2, उत्तर आ जाएगा 2450। क्या है उत्तर, ये 2410 और ये 3300, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थर्ड। तो 6000 यानी में से 4999 क्या निकालना है, 4999 बाकी निकालना है। तो आप 4999 यहाँ लिख देंगे, क्या करेंगे 4999 यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे 4999 आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और तो कैसे निकालोगे इसमें से, बाकी आप 4 9 में से 0 में से 9 जाता है इसलिए कि क्या लेंगे, एक सुधार लेंगे तो ये 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एक उसको उधार दिया तो 9 रह गया, वैसे 10 मानना इसको 10 में से 1 चला गया हासिल वाला तो 9 रह गया, 9 में से 0 9 जाएंगे, 9 में से 9 0 बचेंगे। ई को इसमें से एक उधार लिया 10 मानेंगे 10 में 1 चला गया 9 रह गया 9 में से 0, फिर इसमें एक उधार दिया तो 4 5 6 6 में से उधार वो रह गया 5 5 में से 4 गया 1, ये उत्तर आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, कौन सा है
चार नंबर में आपको 8,344 में से क्या करना है, 7,986 बाकी निकालना है। तो आप इसको भी सेम वैसी ही तरीका है, 7,986 यहाँ लिखोगे, 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर 14 क्यों, 14 कैसे माना कि एक इसको उधार लेकर 14 मान ले, फिर ये क्या है, इसमें से निकल इसको 14 मानेंगे, 14 में से 1 चला गया, 13 रह गया, 13 में से 8 जाएंगे 5, कितना रहेंगे, 8 5 13 होते हैं, ठीक है। फिर 3 के 13 हो जाएंगे, और 13 में से 1 को चला गया तो फिर 12 में से 9 हो जाएंगे 3, और एक इसको उधार दे दिया तो 8 में से 1 चला गया 7 जाएगा, 7 में से 7 जाएगा 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके बेटू बच्चों, ये पूरा आपको ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन आ गया और मैं आपको कल दूसरे क्वेश्चन और कराऊंगा, जब तक मैं आपको कुछ जोड़ बाकी गुणे भाग डालता हूं और आप इनमें से करना है, क्या करना है, इन सबको अपने घर पे करना है। सिंपल सी बात है, यह दिया हुआ जैसे 4,000 पहले दे दिया हमने, 4,000 में से ये कम करना है नेक्स्ट में, ठीक है। सिंपल डाल रहा हूँ, 6,550 में से 3,550 बाकी निकालना है, तो क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। 30 से आपको जोड़ करनी है, ठीक है, जोड़ करनी है, क्या करनी है, जोड़ करनी है, ये जोड़, और ये आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है, ठीक है। ये आपको जोड़ करके और कल आपको मेरे उस पर भेजना है। जय श्री कृष्णा।